नवंबर 1, 1984, श्री राजीव गांधी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, पहली बार नॉर्थ ब्लॉक में अपने कार्यालय पहुंचे और उनके साथ सेना का भारी सुरक्षा घेरा था। ऐसा घेरा जिसे देश ने पहले कभी नहीं देखा। सभी को लगा कि यह गार्ड राजीव के लिए उस दुखद स्थिति को देखते हुए आवश्यक था, जिसमें उनकी माँ और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पिछले दिन उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगले ही दिन से राष्ट्रीय मीडिया में भारत के एक राजनीतिक नेता और एक विशेष सेना दल के बारे में चर्चा होने लगी, जो पहले कभी इस्तेमाल ना की गई बख्तरबंद कारों और विदेशी निर्मित हथियारों के साथ प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन वर्षों बाद ही उन्हें पता चला कि यह भारतीय जासूसी एजेंसी रॉ की अर्धसैनिक शाखा की स्पेशल ग्रुप या SG थे। लिखित का नया वीडियो इस शानदार कमांडो समूह उर्फ 22SF के बारे में है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और आइए उनकी अन्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जो ग्लोबल स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स में सर्वश्रेष्ठ बलों में से एक है। भारत की विदेशी जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ के गुप्त अभियानों को पूर्ण सशस्त्र सहायता प्रदान करने के लिए 1981 में विशेष समूह SG की स्थापना की गई। स्पेशल ग्रुप, जो पहले रॉ के सैन्य अभियानों, खुफिया संग्रह और सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा निगरानी में सहायता प्रदान करता था, उस समय असम और पंजाब में पाकिस्तान द्वारा अपनी जासूसी एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस या ISI के सहयोग से की जाने वाली विध्वंसक गतिविधियां तेज हो गई और उनके खिलाफ तैनात फील्ड यूनिट्स को उन्नत हथियारों के साथ यात्रा करने वाली एक विशेष कमांडो टीम के समर्थन की आवश्यकता हुई। इसी बीच 1979 के अंत से खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरांवाला के नेतृत्व में पंजाब में कई दंगे करवाए गए और सिखों के प्रमुख पूजा स्थल स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की योजना बनाई गई, जिससे समस्या और बढ़ गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगे भारत की विदेशी खुफिया एजेंसियों को जल्द से जल्द थल, नौसेना और वायुसेना की सहायता से एक समर्पित कमांडो टीम प्रदान करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अनुमति मिलते ही उनके सुरक्षा सलाहकार श्री रामेश्वरनाथ काओ, रॉ के उप निदेशक श्री गिरीश चंद्र सक्सेना ने स्पेशल ग्रुप के गठन की प्रक्रिया शुरू की। इसकी देखरेख कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा डेस्क महानिदेशालय को सौंपा गया, जो विदेशों में रॉ के अत्यधिक जटिल जासूसी मिशनों का समन्वय सुनिश्चित करता था। इस टीम का उद्देश्य इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के कमांडो सेरत मटकल कमांडोज के जैसा कमांडो बनाना था। दुनिया का सबसे अच्छा स्पेशल ऑपरेशन विंग सेरत मटकल के बहुत बड़े प्रशंसक थे रॉ प्रमुख आरएन काओ, इसलिए वह रॉ की नई कमांडो टीम को भी वही ट्रेनिंग और हथियार देना चाहते थे। इसके अलावा DGS ने ब्रिटिश जासूसी संगठन MI5 के आक्रमण समूह स्पेशल एयर सर्विस से सहयोग लेने का भी निर्णय लिया। इसके बाद तीनों भारतीय सेनाओं से चुने गए 6 उच्च कुशल सैनिकों की एक टीम 1980 के दशक के मध्य में इजराइल में गुप्त प्रशिक्षण के लिए रवाना हुई और मोसाद के नेगेव रेगिस्तान शिविर में छोटे हथियारों सहित विभिन्न प्रकार की मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के बाद उसी वर्ष के अंत में वे भारत वापस लौट आए। इजराइल से आए 6 सैनिकों की टीम एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद उत्तर प्रदेश के चकराता में स्पेशल सर्विस ब्यूरो के मुख्यालय में उन्हें नियुक्त किया गया। वहां उन्होंने सैन्य और अर्धसैनिक रैंकों से चुने गए 600 कमांडो के एक बैच को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उक्त बैच के महीनों के प्रशिक्षण के बाद दिसंबर 1981 के पहले सप्ताह में रॉ की विशेष कमांडो टीम स्पेशल ग्रुप या SG उत्तर प्रदेश के सरसावा एयरबेस पर पूरी तरह से सक्रिय हो गई। उस समय उपलब्ध सभी आधुनिक हल्के हथियार उनके पास थे, जिनमें सोवियत निर्मित रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47 मशीन गन, ऑस्ट्रेलियाई निर्मित ग्लॉक पिस्तौल और अमेरिका से खरीदा गया M67 हैंड ग्रेनेड शामिल था।
इस सुसज्जित संरचना के 100 मजबूत स्क्वाड्रन को गणमान्य व्यक्तियों के गार्ड के साथ नियुक्त किया गया और अन्य स्क्वाड्रनों को देश के अंदर और बाहर आतंकवादी विरोधी अभियानों और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए नियुक्त किया गया। पीएमओ सचिवालय द्वारा इन कमांडो को महिंद्रा मोटर्स की CJ500 बुलेट प्रूफ जीप, जमीन पर आवाजाही के लिए हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर Mark IV बुलेट प्रूफ कारें, हवाई आवाजाही के लिए AN-32 मध्यम परिवहन विमान और MI-18 मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए। इस प्रकार स्पेशल ग्रुप के पास किसी भी प्रकार के गुप्त ऑपरेशन के लिए तुरंत तैयार होने की सभी सुविधाएं थी। विशेष समूह की प्राथमिक भूमिका भारत के अंदर और दुश्मन देशों में रॉ द्वारा किए गए गुप्त जासूसी अभियानों के लिए आवश्यक सैन्य सहायता प्रदान करना है। वैश्विक समाचार मीडिया के अनुसार उन्होंने स्वयं ऐसे कई अभियानों में भाग लिया। यह माना जाता है कि भारत के दुश्मन और मित्र देशों में SG के गुप्त मिशन कई बार किए गए और बेहद सफल भी हुए। माना जाता है कि स्पेशल ग्रुप द्वारा पाकिस्तान और तिब्बत में किए गए अधिकांश मिशन अभी भी अत्यंत गोपनीय हैं, इसीलिए बाहरी दुनिया को उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। अपने प्रारंभिक दिनों में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार के हिस्से के रूप में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक सैन्य अभियान शुरू किया। तब SG के असॉल्ट ग्रुप ने आतंकवादियों और खालिस्तान आंदोलन के दिमाग जर्नैल सिंह भिंडरांवाले और उनके दाहिने हाथ रिटायर्ड मेजर जनरल शाहबेग सिंह को बेरहमी से मार डाला। 80 के दशक के उत्तरार्ध में जब जनरल इरशाद के सैन्य शासन ने बांग्लादेश के लोकप्रिय नेता और उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना को कैद कर लिया तो अफवाहें थी कि यह एक स्पेशल ग्रुप था जो उन्हें ढाका से बचाकर भारत ले आया। 1990 और 2000 के दशक के दौरान रॉ के संचालन में कुछ कमियों के कारण स्पेशल ग्रुप के अधिकांश योजनाएँ पहले चरण में ही वापस ले ली गई, लेकिन भारत के कैबिनेट सचिवालय को इन पर पूरा विश्वास था। 1990 के दशक की शुरुआत में पूर्व अफगान राष्ट्रपति जनरल नजीबुल्ला को नई दिल्ली लाने की योजना सफल नहीं हो पाई और कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की परमाणु प्रयोगशाला कहूटा परमाणु अनुसंधान पर कमांडो छापे की तैयारी की गई थी, लेकिन अंतिम समय में उन्हें पीछे हटना पड़ा। SG की प्रभावशीलता पर कुछ लोगों को संदेह होने के बावजूद उस समय के प्रधानमंत्री इन कमांडो समूह से अत्यधिक प्रभावित थे। परिणाम स्वरूप देश पर शासन करने वाले प्रधानमंत्रियों की सहमति से इस घातक दस्ते के सदस्यों की संख्या गुप्त रूप से बढ़ाई जाने लगी। यह विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित था कि दुनिया भर में लगातार बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप भारत की खुफिया एजेंसियों को भी बेहतर सशस्त्र बल की आवश्यकता है। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित कुमार डोवल को और अधिक आक्रामक तरीके से कार्य करने के लिए स्पेशल ग्रुप को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया। भारत की सभी खुफिया एजेंसीज का कार्यभार संभालने वाले श्री अजित कुमार डोवल स्पेशल ग्रुप को पूरी तरह से बदलकर और बेहतर बनाने में रुचि रखते थे। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रॉ और स्पेशल ग्रुप में शुरू किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप इन एजेंसियों में तेजी से बदलाव आया। 10 साल पहले मौजूद SG स्क्वाड्रों का और विस्तार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि आज स्पेशल ग्रुप में लगभग 5000 कमांडो के असंख्य स्क्वाड्रन काम कर रहे हैं। माना जाता है कि SG के वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सरसावा और उत्तराखंड के चकराता में प्रमुख बेस हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में छोटे बेस हैं। सर्वोत्तम खुफिया और तकनीकी सहायता के साथ किसी भी विशेष ऑपरेशन कार्य को पूरा करने के लिए इस पूरी तरह से सुसज्जित कमांडो समूह के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की सेवाएं भी 2400 घंटे उपलब्ध हैं। इसके अलावा विशेष समूह के सदस्यों को भारी गोलाबारी के लिए नई पीढ़ी के स्पेनिश निर्मित C-90 रॉकेट चालित ग्रेनेड लॉन्चर, इसराइल निर्मित टावर असॉल्ट राइफलें और जर्मन निर्मित MP5 उप मशीन गन प्रदान की गई हैं। लाइट फायरिंग के लिए इटालियन बेरेटा 92FS, बेल्जियम निर्मित FN-57 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स का उपयोग किया जाता है। रोड में सुरक्षित यात्रा करने के लिए बुलेट प्रूफ टोयोटो फॉर्चुनर्स और महिंद्रा स्कॉर्पियोस का उपयोग किया जाता है। हवाई मार्ग से दुनिया में कहीं भी पहुंचने के लिए C-130 हरकुलिस मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C-17 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और MI-17 हेलीकॉप्टर्स हमेशा सज्ज है।
अंतर्राष्ट्रीय खुफिया विशेषज्ञों के मूल्यांकन के अनुसार भारत की जासूसी एजेंसी रॉ की कमांडो टीम स्पेशल ग्रुप आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट सेनाओं में से एक है। इस टीम द्वारा देश के अंदर और बाहर दुश्मनों के खिलाफ किए गए ऑपरेशनों की सटीकता और सफलता की संभावना के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि 1981 में अपने गठन के बाद से एसजी ने जिन कई सैन्य अभियानों में भाग लिया उनके बारे में आम जनता को बहुत कम जानकारी है, लेकिन कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ग्रुप्स के अध्ययन के अनुसार इनमें से कई ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है और उन्हें ऐसा नष्ट किया कि वे जवाबी हमले के लायक भी नहीं बचे। स्पेशल ग्रुप वर्तमान में भारत के नए रक्षा सिद्धांत के अनुरूप अतीत की कुछ परिचालन कमियों को ठीक करने और उसके अनुसार अपनी युद्ध रणनीतियों को तैयार करने पर जोर दे रहा है। ये कमांडो टीम, जिसका नियंत्रण देश के प्रधानमंत्री के हाथ में है और जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ उस एक पद के लिए है, यही कारण है जो उन्हें और आक्रामक बनाता है। और दुश्मन का यमराज, जय हिंद।